बेखौफ दिन दहाड़े एक युवक की हत्या करना जैसे कोई मामूली सी बात हो। वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन हत्यारों को किसी का खौफ नहीं है और हत्या जैसा कांड इनके लिए मामूली सी बात हो। एक युवक पर 10 लोग अचानक से हमला बोल देते हैं और लाठी डंडे धारदार हथियारों से मार कर भी मन नहीं भरता तो गोली चला देते हैं। युवक बिहेव का होशंगाबाद जिला गौरक्षा प्रमुख रवि विश्वकर्मा है। शहर के व्यस्ततम रेलवे अंडरब्रिज के नीचे दिन दहाड़े एक युवक की हत्या 9 लोगों ने मिलकर कर दी। पचमढ़ी रोड निवासी रवि विश्वकर्मा अपने एक अन्य साथी के साथ होशंगाबाद से वापस आ रहा था। करीब 6 बजे पिपरिया शहर के सबसे व्यस्ततम अंडरब्रिज के नीचे से जब रवि और उसका साथी भूरा अपनी कार से वहां पहुंचा, तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने रवि की कार को रोका और उस पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 20 मिनट तक रवि पर लाठी डंडे धारदार हथियारों से हमला किया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। घटना में रवि की मौत स्पॉट पर ही हो गई। रवि ने जब दम तोड़ दिया, उसके बाद आरोपी वहां से फरार हुए। घटना की जानकारी लगते ही शहर के मंगलवारा थाना और स्टेशन रोड पुलिस ने पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा। घटना के बाद पिपरिया एसडीओपी शिवेंद्र जोशी ने बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से ये घटना हुई है, मामले की छानबीन की जा रही है। ये रवि विश्वकर्मा नाम के यहाँ पर एक व्यक्ति, सूचना मिली कि अंडर ब्रिज के पास में उनकी गाड़ी के ऊपर डंडों से वार किया जा रहा है। सूचना मिली कि गोलियां चल रही हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस पहुंची तब तक उनके ऊपर गोली चल चुकी थी और वो गाड़ी के बाहर उनका बॉडी थी और ऑन द स्पॉट उनकी सांसें चलने बंद हो गई थी। जब अस्पताल ले गया तो कन्फर्म हो गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और प्रिलिमिनरी तौर पर पुलिस ने जांच तत्काल शुरू कर दी। वहाँ से स्पॉट को वहाँ से मिट्टी और खून प्रिजर्व करवा लिया गया और जो लोगों से सामने आ रहा है उसमें इनकी किसी से पुरानी रंजिश थी और ऐसे कुछ लोगों के नाम भी सामने आए। उसके अभी FIR की कार्रवाई चालू है। FIR होते से नाम का खुलासा होगा और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। सर, घटना में फायरिंग भी हुई है क्या? घटना में फायरिंग भी हुई है, डंडे भी चले हैं। वहाँ पर जो घटना जिन्होंने देखी होगी या उन्होंने सुनी, उन्होंने बोला पहले डंडों से मार हुआ, उसके बाद फिर उनके पर फायर किया। सब नामजद नहीं है, कुछ 3-4 लोगों के नाम अभी पता पड़े हैं। प्रिलिमिनरी तौर पर वो FIR के होने के बाद में आपको खुलासा करेंगे। पर जो बाकी बचे हुए हैं उनके भी अभी जितने वहाँ पे चक्षुदर्शी हैं उनसे पूछ करके, जो लोग जानते हैं उनसे पूछ करके वो अभी पुलिस से तस्दीक करें। बिहार के होशंगाबाद जिला गौरक्षा प्रमुख रवि विश्वकर्मा की हत्या करके भागे एक आरोपी राहुल पटेल को पुलिस ने नया गांव से गिरफ्तार किया है। उसकी कार भी बरामद कर ली गई है। ये हत्यारा नया गांव में रिश्तेदारों के घर में छुपा हुआ था। अन्य 9 आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है। हत्या करने के बाद आरोपी कार व बाइकों से फरार हुए थे। पुलिस की जांच टीमें अलग अलग स्थानों पर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। आरोपियों के परिजनों व मित्रों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। देर शाम IG आशुतोष राय ने पिपरिया पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों से अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के निर्देश भी दिए। पुलिस ने रवि के छोटे भाई अमित विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर आरोपी नित्तू वंशकार, मुन्ना गुर्जर, संजू पटेल, नितिन सिलावट, रज्जू पुरविया, अब्बी तिवारी, अभिषेक चौरसिया, कल्लू मेहरा, अजीत पटेल व राहुल पटेल के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। हत्या करके सभी फरार हो गए हैं। इस वारदात का वीडियो किसी राहगीर ने सोशल मीडिया में वायरल किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को पकड़ने के लिए SP संतोष सिंह गौर ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इसके बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम अलग अलग स्थानों पर गई और नया गांव के एक खेत के पास से आरोपियों
कि कार बरामद की, इस कार में कोई नंबर नहीं लिखा था। रवि की हत्या करके 3-4 आरोपी कार से फरार हुए थे, अन्य बाइकों से फरार हुए थे। आरोपियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। जिले व अन्य जिलों की सीमा पर नाकेबंदी करके आरोपियों की तलाश की जा रही है। रवि हत्याकांड में शामिल सभी 10 आरोपी आदतन अपराधी हैं। इन पर अड़ीबाजी, मारपीट, लूटपाट के मामले दर्ज हैं। मुन्ना गुर्जर व नित्तू वंशकार पर 2018-19 में जिला बदर की कार्रवाई हुई थी। नित्तू पर रासू का भी लगाया गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।